आए दिन बच्चन परिवार किसी न किसी मुसीबत में पड़ता रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही अमिताभ बच्चन के घर की बहू ऐश्वर्या राय पर ईडी ने शिकंजा कसा था, लेकिन इस बार अमिताभ बच्चन पर भी मुसीबत आन पड़ी है। अमिताभ बच्चन के जुहू वाले बंगले प्रतीक्षा की दीवार गिराने में देरी को लेकर लोकायुक्त ने बीएमसी को फटकार लगाई है। महाराष्ट्र लोकायुक्त की जस्टिस वीएम कनाडे ने कहा है कि इस मामले में देरी को लेकर बीएमसी के अधिकारी बेतुके बयान दे रहे हैं। दरअसल प्रतीक्षा की यह दीवार सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रही थी और इसलिए इसे हटाने का आदेश दिया था। इस मामले में शिकायतकर्ता ट्यूलिप मिरांडे ने कहा था कि जब कोई आम नागरिक अतिक्रमण करता है तो बीएमसी उसे तुरंत झाकर ढहा देती है, लेकिन अमिताभ बच्चन के बंगले पर कोई कार्रवाई करने में बीएमसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। ट्यूलिप ने कहा है कि लोकायुक्त ने बीएमसी की विचित्र रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है और अगली सुनवाई में सड़क विभाग से जवाब मांगा है। अगर बीएमसी कार्रवाई करने में विफल रहती है तो हम धरने पर बैठेंगे। बीएमसी ने प्रतीक्षा के आगे की दीवार तोड़ने का नोटिस साल 2017 में ही अमिताभ बच्चन को दिया था। इस नोटिस के खिलाफ बच्चन ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था और उन्हें स्टे भी मिला था। इसके बाद से अब तक सड़क के चौड़ीकरण का काम रुका हुआ है। हालांकि कुछ दिन पहले बीएमसी ने काम को फिर से शुरू करने को लेकर अदालत में गुहार लगाई है, जिसे कोर्ट की मंजूरी भी दे दी गई है और इससे साफ है कि आने वाले कुछ दिनों में अमिताभ बच्चन के बंगले पर मुसीबत आने वाली है। बहरहाल पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखेगा। साथ ही इस मामले से और बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।